नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। श्री बंशीधर नगर से खबर है। लंबे अरसे के बाद श्री बंशीधर नगर वासियों को सिविल कोर्ट का तोहफा मिला है। शनिवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने राजधानी रांची से श्री बंशीधर नगर अनुमंडलीय न्यायालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, जोनल जज रत्नाकर भिंगरा, हाईकोर्ट के कई जज अधिवक्ता समारोह में शामिल रहे। श्री बंशीधर नगर अनुमंडलीय न्यायालय सिविल कोर्ट के उद्घाटन के बाद अनुमंडल क्षेत्र में लोगों के बीच खुशी देखी जा रही है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर सिविल कोर्ट परिसर में बड़े एलईडी स्क्रीन ऑनलाइन उद्घाटन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसके पूर्व नगर उंटारी का डेमोक्रेटिक फिल्म के जरिए परिचय किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला जज राजेश शरण सिंह, उपायुक्त रमेश घोलप, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा, कमांडेंट आशीष झा, अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार, एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही स्कूल बच्चों द्वारा पारंपरिक रूप से अतिथियों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। और वहीं राजकीय मध्य विद्यालय के छात्रों द्वारा बैंडबाजी की धुन पर घोष करते हुए कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया। इसके बाद कोर्ट परिसर में अतिथियों ने रुद्राक्ष, सागवान, अशोक का पौधारोपण किया। तत्पश्चात श्री बंशीधर नगर अधिवक्ता संघ द्वारा मुख्य अतिथियों को बुके देकर एवं विश्व विख्यात भगवान श्री बंशीधर जी की तस्वीर देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों द्वारा झारखंडी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। इसके पूर्व सभी अतिथियों ने गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में अतिथियों का संबोधन। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज राजेश शरण सिंह ने कहा कि श्री बंशीधर नगर अनुमंडल वासियों की असुविधा को देखते हुए सिविल कोर्ट चालू कराया गया है। अब इस क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलने में परेशानी नहीं होगी। सभी लोग अपने असर से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। किसी भी मुकदमे को लंबे समय तक नहीं खींचा जाएगा, पुराने मुकदमे को जल्द से जल्द निपटारा होगा। उन्होंने कहा कि श्री बंशीधर नगर सिविल कोर्ट में जज का पोस्टिंग कर दिया गया है, अब लोगों को गड़बा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही जज के लिए सबसे जरूरी है कि वह पारदर्शिता के साथ न्याय करे। जज ने कहा कि श्री बंशीधर नगर में सिविल कोर्ट शुरू हो जाने के बाद लंबित केसों का निष्पादन होगा। डीसी रमेश घोलप ने कहा कि नगरवासियों के लिए खुशी की बात है कि ऐसी जगहों पर सिविल कोर्ट खुला है। ऐसे तो यहां के लोगों को दशकों से इसका इंतजार था, जो आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि नगर उंटारी का सिविल कोर्ट भवन 2014 में ही बनकर तैयार था, लेकिन कुछ कारणों से इसका उद्घाटन नहीं हो सका, लेकिन आज ऐतिहासिक क्षण आया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को न्याय के लिए दूरदराज नहीं भटकना होगा। उन्होंने अनुमंडल वासियों से आपस में मिलजुल कर रहने की सलाह दी, ताकि झगड़ा ना हो और कोई मामला भी कोर्ट में आए जिससे उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा पेच कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा, डीएफओ सौराष्ट्र शुक्ला, डीडीसी राजेश कुमार राय, सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, अधिवक्ता प्रवेश तिवारी, साकेत देव, नीरज कुमार सिंह, नित्यानंद दुबे, ब्रजेश चौबे समेत पदाधिकारी व अधिवक्ता के लोग उपस्थित थे। और ये दिन कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ के लिए लोग कितने इस दिन का इंतजार कर रहे थे, इसका एहसास पिछले दो चार दिनों से हम हर पल महसूस कर रहे हैं। सुबह से भी जब यहाँ पे है, कई सारे लोगों के चेहरे पे वो खुशी हम लोग देख सकते हैं कि कई सालों से जिस क्षण का इंतजार नगर उंटारी वासियों को था, वो पल आज आया है। और वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा संपन्न होगा। ये क्षण जो है, ये इस नगर उतारी अनुमंडल, इस गढ़वा जिले के लोगों के जहन में आने वाले कई सदियों तक निश्चित तौर पर रहेगा। यहाँ पे 2014-2015 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ कारणों से इसका उद्घाटन ये क्रियाशील नहीं हो पा रहा था। आज वो दिन आया है और इसकी महत्ता हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि मैं डीडीजी महोदय से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि लगभग 26,000 में से 9,200 केसेस इस अनुमंडल से रिलेटेड है। हालांकि झगड़े नहीं होने चाहिए, केसेस नहीं होने चाहिए, उसे हम लोगों का पुलिस अधीक्षक साहब का काम बढ़ता है, लेकिन एक बार हो गए तो उसको सॉल्व करने के लिए लोगों को जो तकलीफ होती है, क्योंकि कई बार झगड़ों में जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष झगड़ा करना चाहते थे, अगर किसी ने झगड़ा किया है, गलत काम किया है, तो जो पीड़ित है उसको न्याय जल्द मिलने की और कम से कम तकलीफ पहुंच कर मिलने की अपेक्षा होती है। इसमें काफी महत्वपूर्ण होगा ये सब डिविजनल कोर्ट, क्योंकि
गढ़वा जिले से मुझे लगता है नगर उपाधि अनुमंडल की जो सबसे दूर का गांव है, लगभग मुझे बताया गया है कि 75-80 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो उस गांव का कोई व्यक्ति अगर अपनी केस लड़ने के लिए गढ़वा जाना उसको पड़ता था तो आज वो उसका निराकरण यहाँ पे हो पाएगा। तो मैं पुनः एक बार आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद उन लोगों को देता हूँ क्योंकि 2014-15 की बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के प्लांट बनने से लेके यहाँ पे बिल्डिंग बनना चाहिए वहां से लेके उसके सैंक्शन, अप्रूवल, मॉनिटरिंग, इसमें जिन जिन तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था के जो भी पदाधिकारी होंगे तत्कालीन, हमने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर हमने माननीय उच्च न्यायालय को रिपोर्ट बना के भेजा था जिस पर वहां की टीम आई यहां पर्वे की। यहाँ के अधिवक्ताओं का निवेदन था कि सर किसी भी तरह कोर्ट शुरू कर दिया जाए, बाकी चीज बाद में डेवलप हो जाएगा। और मैं खुद भी इस सिद्धांत से एग्री करता हूं कि संपूर्ण फैसिलिटी जब हमको मिल जाए तब हम किसी चीज की शुरुआत करें, ऐसा जनरली होता नहीं। हम शुरुआत तो करें और अपनी काबिलियत से मंजिल तक तय करें, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा तो कोई भी मंजिल तक पहुंच सकता है। तारीफ उनकी ही करना चाहिए जो रास्ता खुद बना के आगे बढ़ते हैं। और नगर उपाधि के बार के मेंबरों से मेरा निवेदन है कि एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया, संवेदना कोड आपके सामने खोल दिया गया, माननीय न्यायमूर्ति ने उनका उद्घाटन किया, उसको चलाना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डे टू डे की जो वर्किंग होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस न्यायालय को चलाइएगा कैसे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको पॉइंट आउट किया है, आप खुद भी हैं कि न्यायालय नगर उपाली न्यायालय और भी जो न्यायालयों का उद्घाटन हुआ है उसकी तुलना में यहां सुविधाएं बहुत कम है। मगर माननीय उच्च न्यायालय का हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस मामले में कि इतनी कम सुविधा होने के बाद भी नगर की इतनी कम सुविधाओं पर न्यायालय का उद्घाटन नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमारे ऊपर आपके ऊपर जो विश्वास दिखाया और इस न्यायालय का उद्घाटन किया है तो हमें भी दिखाना है कि उन्होंने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है उससे हम पीछे नहीं आते। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी 3 न्यायाधीश के यहां पर स्थापना की है, यहां सेंशन पोस्ट 7 है, 7 सेंशन पोस्ट है और जिन न्यायाधीशों की पोस्टिंग यहां की गई है कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती और इस ढंग की परिस्थिति में काम करने में पारंगत न्यायाधीश को यहां भेजा गया। मनोज कुमार त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं जो यहां जिला जज और अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर आए हुए हैं, मेरे बैचमेट हैं, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं कि इनकी काबिलियत क्या है। आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे ये आपके साथ दौड़ेंगे, सिर्फ चलेंगे नहीं है दौड़ेंगे आपके साथ, लेकिन आपको थोड़ा सहयोग करना है। तैबा हॉस्पिटल, डॉक्टर यासीन हेल्थ केयर, मदरसा रोड बस स्टैंड के पास गढ़वा, स्त्री एवं प्रसूति रोग संबंधित सेवा एवं सुविधाएं, ANC नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन, बांझपन परामर्श एवं उपचार। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।